गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आज मैंने बनाया लड्डू, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये थाली ले ली है, आटे वाली थाली, और इसमें मैंने 1/2 kg बेसन ले लिया है। गुड़ के लड्डू मैं बनाऊंगी, गुड़ के जो बेसन के बनते हैं ना, बूंदी या सेव जो भी बोलते हैं, उसे जो झाड़ के बनाया जाता है, वो वाले मैं लड्डू आज बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो ये मैंने 1/2 kg बेसन ले लिया है और इसमें मैं कुछ डालूंगी नहीं, बस ये सिंपल ही ऐसे ही इसका आटा लगेगा, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं, बस उसी तरह से इसका हमें आटा लगा लेना है। और ये मेरा लड्डू तैयार है, इस तरह से होना चाहिए। तो ये तैयार है और चलिए सेव झाड़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कढ़ाई रख दी है और अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। ऑयल, रिफाइंड घी, आप कुछ भी डाल सकते हैं, बट मैंने ऑयल डाला है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने 1/2 कटोरी पानी ले लिया है। पानी की इसमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें जब आटा उठाना है या झारे में लगाने के लिए, पहले हमें कटोरी में अपने हाथ को डिप करके और इस झारे पे हमें पहले लगा लेना है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कैसे किया था। तो चलिए और ये बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो इस झारे पे पहले मैं ये पानी लगाऊंगी और पहले मैं अपने हाथ को इस कटोरी में डिप करके और इस झारे पे लगा लूंगी। ये देखिए, इस तरह से लगाया जाएगा। और हमें फिर से हाथ को अपने डिप करना है और फिर आटे को लेना है। इससे क्या होगा कि आटा ना हाथों में चिपकेगा नहीं, तो हमें आटा पानी में हाथ डिप करके ही और आटे को उठाना है। और फिर चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि और कैसे ये बूंदी झारी जाती है। तो ये मेरा ऑयल हो गया है और अब मैं इस पर रखूँगी। एक्चुअली मैं ना दीवार के साइड में, दीवार से ये झारे को मैंने सटा के और फिर मैंने झारा है, इसलिए कि जिससे जितना सर हो वो दीवार पे पड़े, कड़ाही पे ना पड़े, नहीं तो कड़ाही सरक सकती है और हमारे ऊपर तेल आ सकता है। तो मैं तो खड़ी होके ही बना रही हूँ, अगर आप लोगों को हो सके तो बैठ के बनाइए नीचे गैस करके। तो इस तरह से मैंने पूरा प्रेशर दीवार पे किया है जिससे कड़ाही सरके ना। तो चलिए बना लेते हैं। तो इसे जैसे हम झार लें ना, उसके बाद वो जो झारे में बेसन लगा रहता है तो उस पर हमें ज़रूर से पानी लगा लेना चाहिए, नहीं तो वो सूख जाता है। उसे पानी लगा के और तब रखना चाहिए। और ये मेरी बूंदी हो गई है और चलिए हम मैं एक बार और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये हो गया है और इसी तरह से हमें पूरा छान लेना है। तो मैं सारा बना लूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। नमस्ते। तो ये मैंने जो बेसन के, आज जो मैं लड्डू बना रही हूँ गुड़ वाले लड्डू, तो उसका मैंने ये बूंदी बना लिया है। बूंदी, सेव जो भी कहते हूँ, तो ये सेव मैंने बना लिया है और ये अभी ये लास्ट बार है। और मैंने ये 2 प्लेट मैंने बना, इसमें 1/2 kg में मेरा इस तरह से 2 प्लेट हुए हैं। तो इसे आप जब भी बनाइए तो थोड़ा सा केयरफुली होके बनाइए, क्योंकि या तो आप गैस को नीचे रख के, नीचे बैठ के आराम से बनाइए, नहीं कढ़ाही जो है वो सरक सकती है, तेल ऊपर आ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। मेरा क्या है कि ये पाइपलाइन है तो ये गैस नीचे मैं नहीं रख पाती हूँ, तो इसलिए मैं खड़ी होके ही बनाती हूँ। जब भी बनाइए तो ये जो झारा है उसे मैं इसमें दीवार में इस तरह से और सटा के बनाती हूँ, जिससे कि दीवार पे ही पूरा प्रेशर रहे और कढ़ाही पे नहीं आए। कढ़ाही पे प्रेशर आएगा तो कढ़ाही सरक सकती है। और ये मैंने कढ़ाही ले ली है और ये मैंने 1/2 kg मैंने गुड़ लिया है।
हाफ के जी, इसलिए कि बेसन हाफ के जी था तो हमें गुड़ भी हाफ के जी ही चाहिए। तो ये मैंने हाफ के जी गुड़ ले लिया है और अब मैं इसे तोड़ के, इस गुड़ को तोड़ के कढ़ाही में डालूंगी। अभी मैंने गैस नहीं जलाया है, पहले मैं तोड़ के इसे कढ़ाही में डाल दूँ। तो ये मैंने गुड़ ले लिया है हाफ के जी और मैं गैस जला लेती हूँ और हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, फ्लेम फुल नहीं करनी है। और ये मैंने पानी ले लिया है, हाफ ग्लास से भी कम है, ये हाफ का हाफ है, बस इतना ही हमें इसमें डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस इतना हमें इसमें पानी डालना है और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। उसके बाद मैं बताती हूँ कि कितने पे ये हो जाएगा, फिर हमें वो जो हमने सेव बना के रखा है बूंदी उसे डालना है। और अब हम ना इसे चेक कर लेते हैं। ये मैंने पानी ले लिया है और पानी में हमें इसे डाल के देखना है। ये देखिए, डालने पे ये जिस तरह से ऐसे बंध सा गया, गुला गुला हो गया, फैला नहीं, तो इसका मतलब है कि हमारा ये गुड़ का जो सीरा है, जो पाग है, ये हो गया है। और अब मैं ये गैस बंद कर देती हूँ और इसे थोड़ा सा बस ठंडा होने देती हूँ, फिर मैं इसमें डालूंगी अपने सेव, इसमें फिर सेव या बूंदी जो भी कहते हूँ वो मैं डालूंगी। 2 मिनट में इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। और ये अब मैंने इसे इसमें डालूंगी, इसे अब जब भी डालिए तो थोड़ा सा तोड़ के। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स तब तक करेंगे जब तक ये ठंडा अच्छे से ना हो जाए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए फिर हमें इसके लड्डू बना लेने हैं। इसे हमें इस तरह से पहले अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद 2-2 मिनट पे चलाते रहें, ये ठंडा हो जाता है, जल्दी ही ठंडा हो जाता है। तो ये देखिए मेरा मिक्स हो गया है, मैं फिर थोड़ी देर में फिर मैं इसे इसी तरह से फिर मिक्स करूँगी। तो मिक्स करने पर क्या होता है कि ये ऊपर का नीचे होता रहेगा तो पूरा गुड़ भी इसमें मिल जाएगा और ये जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा। ये ठंडा हो गया है और इसे फिर से मैंने एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर इसके हम ये छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। आज ना एंजल का पीटीएम है तो एंजल वैसे स्कूल में बुलाया नहीं गया है, बच्चों को मर्जी है अपनी, जो ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। एंजल कह रही है कि मम्मा मैं भी चलूंगी, तो हम क्या चलो चलते हैं। तो एंजल भी रेडी हो गई और मैं भी, और मैं पीटीएम अटेंड कर लूँ। तो ये हम लोग आ गए स्कूल में और चलिए पीटीएम अटेंड करते हैं।
तो पीटीएम हो गई, एंजल ने कहा कि चलो मम्मा थोड़ा सा पार्क में खेल के आते हैं, हम क्या चलो चलते हैं, तो मैं आके बैठ गई और ये थोड़ा बहुत खेली, तो ये खेल रही है और मैं बैठी हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ घर, और आज पता नहीं क्यों शहीद पथ पे बहुत जाम लगा हुआ है, तो मैं जाम में फंस गई, किसी तरह से घर पहुँचू। तो ये इवनिंग टाइम है, तो मैं अम्मा जी की चोटी कर ली हूँ और अभी शाम के 5 o'clock हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चाय और चाय के साथ थोड़े से समोसे बना लूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे, तो मैंने आज समोसा और चाय बनाया। और आप लोग ने वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। कैसे बोला थी? पापा जी आता कि हाँ।